उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड और कोहरे का सितम, दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम। नोएडा में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी है, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दिल्ली में कोहरे ने वाहनों की रफ्तार पर लगाई ब्रेक, सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां, देरी से चल रही 19 ट्रेनें। मौसम विभाग ने दिल्ली में जारी किया येलो अलर्ट, एक यूआई पहुंचा 360 के पार, बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम से आज होगी पूछताछ, जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में ईडी के सवालों का जवाब देंगे तेजस्वी यादव। कल लालू प्रसाद यादव से ईडी ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी, जमीन के बदले नौकरी मामले में पूछे 50 सवाल। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में ईडी का बड़ा खुलासा, राबड़ी देवी की गौशाला के पूर्व कर्मचारी ने रिश्वत के तौर पर ली संपत्ति। मीसा भारती ने बीजेपी पर निशाना साधा, कहा विपक्ष के नेताओं को डराने की हो रही है कोशिश, चुनाव को लेकर डरे हुए हैं प्रधानमंत्री। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ईडी सीबीआई पर बोला हमला, कहा मेरे पिता को कुछ हुआ तो नीतीश कुमार होंगे जिम्मेदार। भारतीय जनता पार्टी ने लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा, कहा जहां भ्रष्टाचार होगा वहां कार्रवाई होगी। हेमंत सोरेन को लेकर सीएम सचिवालय से ईडी को ईमेल, 31 जनवरी को पूछताछ का दिया समय, कल दिल्ली में ईडी को नहीं मिले थे सोरेन। झारखंड के राज्यपाल का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बयान आया सामने, कहा मुख्यमंत्री को देना होगा जवाब, कानून का नहीं कर सकते उल्लंघन। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मनी लॉन्ड्रिंग केस में हुई पूछताछ, सूत्रों के मुताबिक बीते 12 दिनों में दूसरी बार ईडी ने हुड्डा से पूछे सवाल। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, आज संसद भवन में होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक के लिए सभी दलों के फ्लोर लीडर्स को सरकार ने दिया न्योता, बैठक में सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को पेश करेंगी अंतरिम बजट, किसानों गरीबों और युवाओं को मिल सकता है फायदा। महात्मा गांधी की 76वीं पुण्यतिथि आज, सीएम योगी ने बापू को दी श्रद्धांजलि। 7 दिन में सीएए लागू होने की खबरों पर बोली ममता बनर्जी, कहा यह बीजेपी का चुनावी हथकंडा है, बंगाल में जिनका वोटर लिस्ट में है नाम वो सभी नागरिक। यूसीसी पर सीएम धामी का बयान, कहा 2 फरवरी को यूसीसी का ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंपा जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर किया प्रहार, कहा अगर मोदी जीते तो देश में आ जाएगी तानाशाही, 2024 के बाद फिर नहीं होंगे चुनाव। हिजाब विवाद पर बालमुकुंद आचार्य का बयान, कहा मैंने तो स्कूल से ड्रेस के बारे में पूछा था, कुछ लोगों को सिर्फ राजनीति करनी है। मालदीव के राष्ट्रपति बोइचू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की है तैयारी, विपक्षी सांसदों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान, भारत विरोधी रुख की वजह से मोइचू का विरोध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इजरायली विदेश मंत्री से फोन पर की बात, पश्चिम एशिया में हालात पर दोनों में हुई चर्चा, विदेश मंत्री बोले भारत के विचारों और हितों के बारे में हुई बात। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष उमर अहमद इलियासी को मिल रही है जान से मारने की धमकियां, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने पर मिली धमकी। दिल्ली के साकेत में कोर्ट की बिल्डिंग से कूदकर एक वकील ने की खुदकुशी, इमारत की 8वीं मंजिल से नीचे लगाई छलांग, मौके पर हुई मौत।